इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जाउल्स ला पर सेकंड प्रॉब्लम है हमारे पास स्टूडेंट्स। जिस तरह के हमने पहले पढ़ा था कि इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसको आप मुख्तलिफ फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आप जो है रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कुछ दूसरी क्वांटिटीज़ की मदद से सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम में और क्वांटिटीज़ थी और यहाँ पर कुछ डिफरेंट क्वांटिटीज़ होंगी। एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस रीच इट्स स्टेडी वर्किंग टेम्परेचर 300 सेकेंड्स आफ्टर बींग स्विच्ड ऑन। एक इलेक्ट्रिकल कोई डिवाइस है आपके पास जिससे आप हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल थर्मल एनर्जी लेना चाहते हैं। सो वो जब आप स्विच ऑन कर लेते हैं, करंट उसको देना आप स्टार्ट कर लेते हैं, सो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है और आफ्टर 300 सेकेंड्स इतने टाइम के बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म बन जाती है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू इसकी बन जाती है। द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज 1.3 एम्पियर्स। और जो एवरेज करंट है, यानी अगर हम उसकी हर एक टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट को निगलेक्ट कर ले, यानी एवरेज वैल्यू निकाल ले, सो वो कितनी है 1.3 एम्पियर्स। कैलकुलेट द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम मैन सप्लाई व्हेन देयर इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 200 वोल्ट्स। यानी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल करंट, उसकी वोल्टेज हमें गिवन है 240 वोल्ट्स। जिस तरह के घरों में हम यूज़ करते हैं उसकी एक खास वोल्टेज होती है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है वो हमें गिवन है। सो अब इसको देखिए, एक अप्लायंस कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन ले सकते हैं, कोई हीटर ले सकते हैं। सपोज मैं हीटर कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक हीटर है जो हम इलेक्ट्रिकल करंट की मदद से उसको रन करते हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं सो वो इसके अंदर चार्जेस मूव करते हैं, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर ले, इस फॉर एग्जांपल इसको पॉजिटिव से। सो जब चार्जेस मूव करते हैं इस इलेक्ट्रिकल हीटर के अंदर, ये एक्ट करता है एज अ रेजिस्टर, क्योंकि ये चार्जेस के मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। सो एज अ रेजिस्टर एक्ट करता है और इसकी जो पोजीशन है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर एक्चुअली लॉस होती है। यानी आपने देखा होगा कि हीटर एक्चुअली हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है हीट फॉर्म में, यानी हीट फॉर्म में हमें वो एनर्जी देता है। सो एक्चुअली यहाँ पर एनर्जी लॉस होती है और वो हमें एज ए हीट मिल रही होती है। सो कितनी एनर्जी लॉस होती है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए डेटा आप देखें, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है लेकिन जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म जो है थोड़ी सी उसको हम मॉडिफाई करेंगे। उसकी टाइम गिवन है हमें, टाइम 300 सेकंड्स है, इतने टाइम में इसकी जो वर्किंग है वो यूनिफॉर्म बन जाती है, यानी जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म बन जाता है 300 सेकंड्स के बाद जब आप इसको स्विच ऑन कर लेते हैं। आफ्टर स्विच ऑन द एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट वो भी गिवन है, वो कितना है एवरेज करंट, उसको हम I से डिनोट करते हैं, वो हमें गिवन है 1.3 एम्पियर्स। वोल्टेज गिवन है या पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है सोर्स का इस सप्लाई का, वो है 240 वोल्ट्स। कैलकुलेट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम मेन सप्लाई, कितनी एनर्जी ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये जो रेजिस्टर है वो आपको हीट फॉर्म में या थर्मल एनर्जी फॉर्म में कितनी एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से, वो हमें कैलकुलेट करना है। जिस तरह के पहले हम पढ़ चुके थे कि जो एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर हम पढ़ते हैं वो वर्क डन से आती है, और वर्क डन जो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में इलेक्ट्रिकल नेचर में हमारे पास जो वर्क डन है उसको हम नॉन मैकेनिकल वर्क डन जिस तरह के हमने डिस्कस किया था वो है वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वी। एक तो वो मैकेनिकल वर्क डन है हमारे पास जिसको हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी लिखते हैं, यानी इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पर हम देखें वोल्टेज और इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्ट ले रहे हैं, सो एक्चुअली इसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क डन। और जो नॉन मैकेनिकल वर्क डन है एक्चुअली वो अपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इसीलिए हम इस वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे, या अगर हमें हीट एनर्जी वो दे रहा है कोई एलिमेंट तो वो हम हीट एनर्जी फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर, जो कि इक्वल होगा क्यू वी के। अब देखिए इस इक्वेशन से हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, हमें टाइम गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट गिवन है और
वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, वोल्टेज ऑलरेडी इस इक्वेशन में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो क्यू है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए क्यू की जगह हम कोई ऐसा इक्वेशन, कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसे फॉर्म में हम इसको लिखेंगे कि हमारे पास क्यू जो है चार्ज वो रिप्लेस हो जाए टाइम और करंट की वैल्यूज में। सो अगर आप देखें जो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, अगर आप देखें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, वो है आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी पर सेकंड। कितना चार्ज किसी पॉइंट से पास हो रहा है एक खास डायरेक्शन में, उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। या अगर आप इससे इलेक्ट्रिकल चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें, सो वो बन जाएगा क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। सो देखिए क्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं आई टी से। सो ये बन जाएगा आई थर्म ई थर्मल, यानी थर्मल एनर्जी जो हमें हीट फॉर्म में मिल रही है इज इक्वल टू क्यू की जगह आप ये वैल्यू लिख लें आई टी। सो ये बन जाएगा आई आई टी इंटू वी। या अगर आप इसको ज्यादा स्पेसिफिक फॉर्म में लिखें, सो ये आप यूँ लिख सकते हैं वी आई टी, वी आई टी। हमारे पास इक्वेशन बन गया थर्मल एनर्जी का, कितनी थर्मल एनर्जी ये हीटर हमें प्रोवाइड करेगा या जो भी एलिमेंट है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए और वो हमें क्या देगा रिजल्ट, अपन जस्ट ऑफ वैल्यूज पुट कर लें ई थर्मल यानी थर्मल एनर्जी, वी की जगह पुट कर ले 240, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स का, इंटू इलेक्ट्रिकल करंट कितना वो ड्रा कर रहा है 1.3 एम्पेयर्स, और टाइम कितना ले रहा है 300 सेकंड्स, इतना टाइम वो ले रहा है। सो देखिए जस्ट इन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आप देखें, सो वो हमें देगा रिक्वायर्ड थर्मल एनर्जी, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। 240 देखिए मल्टीप्लाई कर ले 240 मल्टीप्लाई बाय 1.3 मल्टीप्लाई बाय 300 300। देखिए इससे आता है 93,600, 93,600। सो इतनी थर्मल एनर्जी हमें वो प्रोवाइड करेगा 93,600, चूंकि एनर्जी है सो इसे इसको हम जाउल्स में मेजर करेंगे। इतनी एनर्जी ये जो हीटर है या इलेक्ट्रिकल आयरन है, कोई भी चीज जो भी हो, वो हमें इतनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोवाइड करेगा। सो अब देखें जिस तरह की पहले हम प्रॉब्लम में पढ़ चुके हैं, अगर आप इस इक्वेशन को देखें डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, अगर आप क्यू और वी दोनों को रिप्लेस कर लें इनकी वैल्यूज से मैथमेटिकल फॉर्म से, सो ये बन जाएगा आई वी, इसकी जगह हम सॉरी आई टी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह हम आई आर लिख सकते हैं। सो रिजल्टेंट हमारे पास बनता है आई स्क्वेयर आर टी। सो देखिए क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है आप कौन कौन सी क्वांटिटीज किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर इलेक्ट्रिकल करंट रेजिस्टेंस और टाइम आप डिस्कस कर रहे हैं वहां पर गिवन है, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज और टाइम और करंट आपके पास है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरा फॉर्म है तो आप इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ फॉर्म्स में इसको रीअरेंज कर सकते हैं। सो इस केस में हमारे पास जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो है 93,600 जाउल्स।